नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग भी 12th या 10th के बाद कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, या दोस्तों जो लोग कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। और दोस्तों, ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा, काफी कोर्सेज भी बताऊंगा, टैली, एक्सेल, वर्ड और दोस्तों पावर पॉइंट वगैरह, जिससे कि आपको जॉब में बहुत ही आसानी से आप कोई भी जॉब इजी तरीके से आपको मिल सकती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। और दोस्तों सीरीज की ये पहली वीडियो है, इसमें मैं आपको बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप कैसे अपना कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करना सीखोगे, चलाना सीखोगे, कंप्यूटर क्या होता है देख सकते हो, आइकन्स का क्या यूज होता है, स्टार्ट बटन का क्या यूज होता है, वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हो, टाइम कैसे चेंज कर सकते हो, जो भी बेसिक्स होता है वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों धीरे धीरे सीरीज वाइज एक एडवांस लेवल तक हम जाएंगे वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उससे पहले। उससे दोस्तों फायदा ये होता है कि जब भी कोई यूजफुल वीडियो मैं चैनल पर डालूंगा तो दोस्तों वो आपको रिकमेंड हो जाएगी, आपके फोन पर आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसकी। तो दोस्तों उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ आप जब लैपटॉप या डेस्कटॉप को ऑन करते हो तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। आप देख सकते हो एक ये स्क्रीन आती है दोस्तों, इसको मैं आपको बता देता हूँ, मेनली इसको कहते हैं डेस्कटॉप, चाहे लैपटॉप के अंदर हो या डेस्कटॉप के अंदर। दोस्तों मेन जो होम स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर जो आप ये आइकन्स देख रहे हो, इनको दोस्तों हम प्रोग्राम आइकन्स बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों आप अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ये आइकन्स होते हैं, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। कोई आइकन अगर आपको ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, अगर डिलीट करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आइकन्स को आपको कैसे छोटा या बड़ा करना है। आपको सिंपली राइट क्लिक करना है होम स्क्रीन पर, और दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू का, यहाँ से दोस्तों आप अपने आइकन्स को घटा बढ़ा सकते हो। जैसे कि अभी हमारे आइकन्स मीडियम्स हैं, यहाँ से दोस्तों आप स्मॉल पर क्लिक करते हो तो छोटे हो जाएंगे, और दोस्तों लार्ज पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो जो आइकन्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो होना है बाय डिफॉल्ट दोस्तों मीडियम पर ही रहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो विंडोज नीचे वाली आप देख रहे हो, ये नीचे वाली विंडोज को हम बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पर दोस्तों नीचे कोने में आपको एक बटन मिलता है स्टार्ट बटन। अगर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज बटन को दबाओगे, जो कि इसी तरह की ही होती है, तो दोस्तों आपका जो ये विंडोज है वो खुल जाता है, निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आप प्रेस करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पर दोस्तों पहला आइकन मिलेगा आपको पावर का। पावर पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको तीन आइकन्स दिखते हैं, एक होता है स्लीप का, एक होता है शटडाउन, एक होता है रीस्टार्ट। दोस्तों स्लीप अगर आप कर देते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो दोस्तों आपका जो लैपटॉप है वो पावर को कम कंज्यूम करेगा, आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन होगी वो बंद हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपका लैपटॉप बैक एंड में ऑन रहता है, मदरबोर्ड उसका और जो हार्डवेयर होता है वो ऑन होता है, उसके अंदर पावर चलती रहती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है शटडाउन का, अगर दोस्तों आप शटडाउन कर दोगे लैपटॉप को, तो दोस्तों लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर रीस्टार्ट का, अगर दोस्तों आप रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका जो लैपटॉप है वो बंद होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इस केस में दोस्तों आपको याद ये रखना है कि दोस्तों आपका कोई भी डेटा अनसेव्ड ना हो, आपने कोई फाइल्स वगैरह अगर खोल रखी है तो दोस्तों रीस्टार्ट करने से पहले अपनी फाइल को सेव कर लेना, अदरवाइज आपका डेटा करप्ट हो सकता है।
तो दोस्तों तीन आइकन्स ये होते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों सेटिंग्स पर जब आप क्लिक करोगे तो दोस्तों जो जैसे कि आपके फोन की सेटिंग्स होती है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक सेटिंग्स आ जाती है खुल के। और दोस्तों जो भी आपको चेंज करना है, जैसे कि कोई आपको डिस्प्ले के अंदर कुछ चेंज करना है तो आप दोस्तों यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर कोई ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। कोई फोन अगर आपको लिंक करना है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर नेटवर्क आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन मतलब आपको बैकग्राउंड और स्क्रीन की थीम्स या कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एप्स होती हैं, कुछ एप्स अगर आपको अनइंस्टॉल करनी है तो दोस्तों आप उसको यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन होता है अकाउंट्स का। अगर दोस्तों आपको अपने सिस्टम में कोई पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर दोस्तों आपको अपने टाइम और लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक गेमिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर दोस्तों आप गेम खेलते हो तो दोस्तों आप अपने गेमिंग को स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, तो दोस्तों आप उसको यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन होता है ईज ऑफ एक्सेस। दोस्तों कोई भी मान लो कि आपको अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करना है तो आप उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोस्तों बहुत ही एडवांस और डीप लेवल पे मैं आपको बताऊंगा अगली वाली वीडियो के अंदर। उसके बाद दोस्तों सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कोई फाइल्स वगैरह सर्च करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, या कोई परमिशन आपको देनी है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में तो आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन होता है प्राइवेसी का। दोस्तों अगर आपको कैमरा या माइक्रोफोन या लोकेशन की अगर आपको प्राइवेसी अलाउ करनी है या डिसअलाउ करनी है, दोस्तों कैमरा आपको बंद रखना है तो दोस्तों डिसअलाउ करना होता है उसको, तो आप उसको यहाँ से बंद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फाइनल एक ऑप्शन होता है अपडेट एंड सिक्योरिटी का। यहाँ पर दोस्तों विंडोज जो आपकी होती है वो दोस्तों आप यहां से उसको अपडेट कर सकते हो, और दोस्तों रिकवरी और बैकअप वगैरह भी आप यहां से बना सकते हो। दोस्तों ये टोटल सेटिंग्स का ही ऑप्शंस होता है। जो भी आपको वर्क करना होगा कुछ भी, वो आप यहां से बहुत ही इजी तरीके से सर्च करके कुछ भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बताता हूँ कि आपको अपने सिस्टम की कॉन्फिगरेशन कैसे चेक करनी है। तो दोस्तों आपको सिंपली राइट क्लिक करना है आपके दिस पीसी के ऊपर और नीचे आपको आना है, और दोस्तों प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन होता है, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप प्रोसेसर चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन सा है, और रैम चेक कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो इंस्टॉल रैम 4 GB और प्रोसेसर i3 3rd जनरेशन है। दोस्तों थर्ड से स्टार्ट है 3 से, तो दोस्तों ये थर्ड जनरेशन है। अगर फिफ्थ से स्टार्ट होता तो ये फिफ्थ जनरेशन होता। उसके बाद दोस्तों सिस्टम टाइप देख सकते हो कि 64 बिट सिस्टम है आपका या 32 है। तो दोस्तों यहाँ से आप विंडोज भी देख सकते हो कि आपकी जो विंडोज है कौन सी है। एडिशन के आगे आपको दिख जाएगा विंडोज 8 है या विंडोज 10 प्रो है, वो चीज आप यहाँ से देख सकते हो। वर्जन भी दोस्तों देख सकते हो आप, वर्जन कौन सा है आपके विंडोज का, इंस्टॉल डेट कौन सी है, एक्सपीरियंस कौन सा है। तो दोस्तों ये चीज आप यहाँ से बहुत इजी तरीके से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो और टास्क बार का मतलब क्या होता है। दोस्तों सर्च बार में भी अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से टाइप कर सकते हो। जैसे कि हम कंट्रोल पैनल सर्च करके आपको दिखाते हैं, तो आपको सिंपली इसमें लिखना है कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल में भी आपको कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कस्टमाइज करने होते हैं, जैसे कुछ अनइंस्टॉल्स वगैरह, तो आप यहाँ से बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर देखेगा टास्क व्यू का। दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी जो भी इसमें वर्क किया है, जैसे आपने फोन में देखा होगा कि दोस्तों उसमें ना आप जब भी एक ऑप्शन होता है, एक बटन होती है, उस पर क्लिक करते हो तो आपके रिसेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं निकल के, और दोस्तों आप उनको फिर इरेज कर देते हो। वही चीज दोस्तों ये है, इसमें आपको बताता है कि अभी रिसेंट में आपने क्या क्या चीजें यूज की हैं, तो दोस्तों आप उसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको एक फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आप डायरेक्ट अपने माई कंप्यूटर में चले जाते हो। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का। यहाँ से आप प्ले स्टोर की तरह कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो विंडोज के लिए।
उसके बाद एक ऑप्शन होता है दोस्तों मेल का, अगर आपको कोई मेल कॉन्फ़िगर करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी दोस्तों जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाती है, जैसे कि अभी मैंने कोई स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ थर्ड पार्टी, तो दोस्तों वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आप राइट साइड में देखोगे तो दोस्तों आपके सामने एक एरो का निशान दिखता है, इसको दोस्तों अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो भी हिडन आइकन्स होते हैं वो शो हो जाते हैं, आप यहाँ से भी उनका यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखो तो आप यहाँ से विंडो सिक्योरिटी पर जा सकते हो दोस्तों, आपकी जो भी विंडो सिक्योरिटी का ऑप्शंस वगैरह होता है, जो भी वर्क होता है, अगर आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करना है या ऑन करना है, आप उसको यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बैटरी का ऑप्शन आता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने आपकी बैटरी का स्टेटस आता है कि आपकी बैटरी कितना चार्ज है, और दोस्तों प्लग्ड इन है तो दोस्तों आपका जो चार्जर है वो लगा हुआ है, मतलब कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर दोस्तों प्लग इन नहीं होती तो दोस्तों इसका मतलब आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज नहीं हो रहा। उसके बाद दोस्तों उसके साइड में आपको एक ग्लोबल का साइन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो शो हो जाते हैं आपके सिस्टम में। उसके बाद दोस्तों एक होता है साउंड का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की साउंड को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन होता है इंग्लिश, आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज वगैरह चेक कर सकते हो, कीबोर्ड आपका ये होता है और दोस्तों आपकी जो लैंग्वेज चलती है वो ये चलती है आपकी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लैंग्वेज प्रेफरेंस पर क्लिक करके आप इसको हिंदी में भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना डेट एंड टाइम भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डेट एंड टाइम को चेंज करने का। उसके बाद दोस्तों एक आपको यहाँ पर ना नोटिफिकेशन का आइकन मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जो भी कोई नोटिफिकेशन आती है ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आपको यहाँ पर मिलेगी, आप देख सकते हो जैसे कि टर्न ऑन विंडोज फायरवॉल, मैंने अपने सिस्टम की जो फायरवॉल है वो अभी ऑफ की हुई है तो ये यहाँ पर हमको नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आप इसको ऑन कर लो, तो जो भी आपके सिस्टम में कुछ भी वर्क होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसको क्लियर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दोगे तो सब कुछ आपका यहाँ से जो क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे फोन्स को आप नोच डिस्प्ले को नीचे डाउन करते हो तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, ब्लूटूथ का, वाईफाई का, नेटवर्क का, ऐसा ही कुछ दोस्तों इसमें भी आता है, आप देख सकते हो। नाइट लाइट को अगर हम ऑन कर देते हैं तो दोस्तों डार्क मोड ऑन हो जाता है, और दोस्तों यहाँ से नेटवर्क को ऑन कर देंगे तो दोस्तों जो भी आपके वाईफाई के कनेक्शन होता है वो ऑन हो जाता है। और भी काफी सारे इसमें फीचर्स होते हैं जैसे कि एयरप्लेन मोड हो गया, और दोस्तों प्रोजेक्ट वीपीएन अगर आपको ऑन करना है, सेटिंग्स में जाना है तो दोस्तों आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ये ऑप्शन मिलता है कि आपकी ये जो आप देख रहे हो ये ब्राइटनेस का ऑप्शन होता है, आप यहां से अपनी ब्राइटनेस को घटा बढ़ा भी सकते हो, आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको हाई ले जाऊंगा तो दोस्तों जो ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 100% पे, उसके बाद दोस्तों 0 पे ले जाऊंगा तो ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से, और दोस्तों आपका अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सीरीज वाइज वीडियोस देता रहूंगा बेसिक से एडवांस तक की, काफी लोग होते हैं जो कि अपना करियर कंप्यूटर लाइन में बनाना चाहते हैं आईटी लाइन में, तो दोस्तों उनके लिए क्या कोर्सेज होते हैं बेस्ट और दोस्तों वो कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं फ्री में, वो सारे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, जैसे कि एमसीएस से हो गया, सीसीएनए हो गया, काफी ज्यादा एडवांस कोर्सेज होते हैं जिससे कि आपकी सैलरी आपको अच्छी मिल सकती है आईटी के अंदर, भले ही आपने 12th की है या ग्रेजुएट की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अगर एक अच्छी स्किल्स होगी तो दोस्तों आपको पैकेज भी अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।